यहाँ पे फिर से बीट अपील हुई है और अपील यहाँ पे पैर उठा था पीछे का, मैंने देखा था पैर तो उठा, ये देख सकते हैं आप लोग। क्या आउट होगा तो जीत जाएंगे, अगर आउट दिया तो यहाँ पर ढाका विनर होगा। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच नंबर 56 में आ गए हम लोग, जहां ढाका डायनामाइट्स मिलेगी मेलबर्न स्टार्स से। एक समय था जब मेलबर्न स्टार अनडिफिटेड थी, 5 मैच लगातार जीती थी, पिछले मैच में हार के साथ ही नंबर 1 से खिसक के नंबर 4 पे आ गई है। टॉस के लिए बढ़ते हुए यहाँ पे ढाका डायनामाइट्स की बात करें, रैंक 14 पे है, तो कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं जा रहा है, लेकिन एक सीधी बात है, आप जीतेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। मेलबर्न स्टार ने अभी के लिए टॉस जीता है, बॉलिंग बैटिंग दे मुझे तो अच्छा है, नहीं लेकिन खुद बैटिंग ले ली इन्होंने। क्या ढाका मैडन से शुरुआत करेगा इस मैच की? जी हाँ, कोई रन नहीं पहली ओवर में। क्या इनको चौका पड़ेगा? ऐसा अभी तक रहा है कई बार, ये देखिए ये नियम रहा है, मैडन जाती है ना तो अगली बार चौके से शुरुआत होती है। स्टॉन इस बैंडंग जबरदस्त फॉर्म में इस गेम में, अभी के लिए बीट होते हुए साइड चेंज नहीं किया बैंडंग के खिलाफ, हाथों में गया है गेंद सीधा। अगली गेंद स्लो ऑफ कटर, यहाँ पर बड़ा शॉट खेल दिया है, फील्डर है डीप में, अब देखना है वो चेस कर पाता है कि नहीं गेंद को, जी रोका है तो दी है दो ही ले पाएंगे, और देख के अच्छा लगा कि फाइनली बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉइन, बल्ले से दूर बहुत ज़्यादा कर दिया है, वाइड मिलेगी एक्स्ट्रा रन। अगली कोशिश भी सिंपल गेंद की है लेकिन बड़ा शॉट खेल दिया और यहाँ पर चौका लगेगा। अब स्टॉइन यहाँ पर हाथ खोल रहे हैं अपना, गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल सकता है यहाँ पर, यहाँ पे काट लगाए लेकिन बचे हैं। रहमान ने 3 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए यहाँ पे, लेकिन अब बात हो गई है दोनों बल्लेबाजों में, तो अब वो लोग रन बनाएंगे, रन रेट को सुधारेंगे अपने, आसान जरा भी नहीं होने वाला गेंदबाजी इन लोगों को करना। और फिर से सिर्फ किनारा दिखाया जैसा बैंडंग ने पहले खेला था, सेम स्टॉनिस ने शॉट लगाया 4 रन, और दोनों बल्लेबाज ने 3 बाउंड्रियाँ लगा दी 5 गेंदों में पिछली। यहाँ पे शॉर्ट पिच आर्म बॉल और बीट हुए, यहाँ पर स्टंपिंग भी किया है मैडन का, चांस यहाँ पर, लेकिन जी हाँ मैडन गया है, थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं, 2 ओवर मैडन गए 8 ओवर में अभी तक। रहमान का ये आखिरी ओवर है, एज लगा है, फील्डर अच्छी बात है मौजूद है यहाँ, वरना चौका कंफर्म था। अगली गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर, इतने खास रहा नहीं है, और देखिए फील्डर कीपर जब तक आता गेंद पे तब तक निकल गई है गेंद, खराब कीपिंग भी कहूँगा। 4 रन आता वो स्टॉनिस के नाम एज के थ्रू, 30 के ऊपर रन बना लिए तो मैं मानता हूँ बढ़िया खेली है, इसमें कोई शक नहीं है, अपील नहीं की जरूरत ही नहीं है, बोल्ड हुए हैं यहाँ पे, बेल्स उड़ चुके होंगे शायद, ना दूर से दिखाया पता ही नहीं लगा, जी हाँ बेल्स उड़ते हुए आखिरी ओवर में, लेकिन विकेट लिया यार, मजा नहीं आया कुछ। स्पिनर पिच है ये, इसका मतलब ये है क्या? ऑटो प्ले मेलबर्न स्टार्स का साथ दे चुका है पहले भी, तो एक तरह से अच्छा है कि यहाँ पर हमने आउट किया है, वरना अगर ऑटो प्ले में रहते तो फिर पता नहीं क्या होता। अभी के लिए 30 की लीड है, एग्जैक्ट 30 की, और 31 करेंगे हम तो लीड चढ़ेगी मेलबर्न पर। हरजीतुल्ला जजई और सुनील नारायण दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, गेंदबाजी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे मैं रन ले रहा हूँ, क्लोज कॉल है। टेल स्टेन है, नाथन कुल्टन नायर है, स्पिनर में आते हैं चंपा, तो मजबूत बॉलिंग लाइनअप, कप्तान मैक्सवेल। ढाका डायनामाइट्स रैंक 12 की टीम दिखाता है कि ये टीम ना बैटिंग बॉलिंग में एक साथ कभी परफॉर्म नहीं कर पाई, ओवर थ्रो होता हुआ रन हमने निकाला है, जब तक आप बैटिंग बॉलिंग दोनों में एक ही दिन सही परफॉर्म नहीं करोगे आप जीतने वाले नहीं हो। जजे यहाँ पर दोनों के लिए, ओ ये कमजोरी है मेरी, ये कमजोरी है, ये गेंद मेरे अंदर रखते तो आउट होते हम लोग, जजे को संभल के खेलना होगा, दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं तो अगर एक को पकड़ लिया। दूसरी गड़बड़ी है कि एक तो ओवर द विकेट डाल रहे हैं ये लोग, तो गड़बड़ ये हो रहा है कि वो एंगल नहीं बन रहा जो मैं ऑफ साइड पर गैप में चौका लेना चाहता हूँ, 2 रन आता हुआ क्लोज मौका है, डायरेक्ट हिट होती तो आउट थे यहाँ पे, कोई शक नहीं इसमें। चौथी गेंद और बढ़िया शॉट, ये है वो शॉट, देखा जाए तो ऑफ साइड में आ नहीं रही थी गेंद, यही रीजन था, लग लेग साइड में आएगी तो बड़े शॉट लूंगा। और ये फ्लैट क्यों हो जा रहा है यार, पिछले 3 मैच से गड़बड़ हो रही है, प्लानिंग सब कुछ बढ़िया किया मैंने, यहाँ पर आराम से कुछ शॉट लगाए, 2 आइडियल आ रहे हैं, टाइमिंग और शॉट चॉइस और फुटवर्क, लेकिन ग्राउंड फ्लैट शॉट हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गई कि फॉलो ऑन हमें मिल गया है, 10 रन से पीछे तो हैं ही हम लोग, लेकिन फॉलो ऑन भी झेलना पड़ रहा है। फिर से आएंगे जजे और नारायण, अब उम्मीद करेंगे अब
सोच समझ के खेले। एक इनिंग से हार का खतरा, गेंद देखे कितनी बेहतरीन रखी है यहाँ पर, स्टंप के अंदर ही रखी थी, बीट होते तो आउट होते। पहला रन बनता हुआ सेकंड इनिंग का, नारायण के लिए मुश्किल यहाँ पे गैप ढूंढना, लेकिन इसके बावजूद भी निकाला है ड्राइव शॉट में और चार रन गए आसानी के साथ। लीड चढ़ना चालू हो चुकी है, इसका मतलब है कि साफ साफ के आना पड़ेगा यहाँ पर मेलबर्न के बल्लेबाजों को बैटिंग में। जजय अगली गेंद का सामना करते हुए, सेम शॉट सेम रिजल्ट, एक रन ऐड होगा। पिछली बार फील्डिंग सेटअप ऐसा दिया था कि हम लोग अननेसेसरी लेग साइड पे बड़े शॉट खेलें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा फील्डिंग सेटअप है कि आप सोचो भी ना खेलने का बड़ा शॉट लेग साइड पे। तो फिर सामना करेंगे नारायण, दो रन लिया था लास्ट टाइम यहाँ पे हाथों में, बढ़िया टाइमिंग की रोका रन और वापस भेजा बल्लेबाज को, वरना विकेट गंवा सकते थे। साइड दोनों के लिए चेंज किया गया, यहाँ पे पावरफुल शॉट, लेकिन किस्मत ऐसी कि फील्डर मौजूद था, हाथों में गया था, यहाँ ओवर थ्रो हुआ है उसका, एक रन एक्स्ट्रा हमने जोड़ा। फील्डिंग में एक बार फिर बदलाव और इस बार हमें हमारे गैप वाले शॉट में खेलने पे मजबूर किया। लेफ्ट साइड लेफ्ट रिवर्स स्विंग हुई, हवा में स्विंग देख सकते हैं, ऑफ साइड उड़ा है, लेकिन एक एंगल बनने के कारण स्विंग मिली है गेंद को हवा में या जो भी कहें आप, लेकिन हल्का सा स्विंग तो हुआ है अंदर की तरफ। बड़ा टारगेट देना चाहते थे ढाका के खिलाड़ी मेलबर्न को, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 14 का टारगेट दिया है। देखा जाए तो अभी भी जीत सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक गेंद चाहिए और ढाका मेलबर्न एक गेंद में तो जीत पाएगा नहीं, उसे कम से कम यहाँ पे तीन गेंदें चाहिए जीतने के लिए। एंड डंक मार्कस स्टॉइनिस आते हुए, रिलैक्स होंगे, आसान लग रहा है मैच इनके लिए तो, दोनों तरफ सब स्पिनर गेंदबाजी करेंगे। ऐसा एक क्लोज मैच हम इंडिया के सामने जीत चुके हैं तो उम्मीदें तो हैं, यहाँ पे 14 रन से रोकना है, गुड लेंथ पे रखना है गेंद ताकि एक जैसे शॉट ही ना खेले। यहाँ पे पहला रन बनता हुआ, दूरी रह गई सिर्फ 14 की जीत से मेलबर्न के लिए। शाकिब पिछले ओवर में आउट कर चुके हैं डंक को, लेकिन वही बात है कि ऑफ साइड में रखो गेंद। यहाँ पे एक शॉर्ट पिच गेंद, बच गए, ऑलमोस्ट जीत गई थी ढाका यहाँ पे। अब जो आम बॉल है उसको अब शॉर्ट पिच नहीं करा रहे। यहाँ पे फिर से बीट अपील हुई है और अपील, यहाँ पर पैर उठा था पीछे का, मैंने देखा था पैर तो उठा, ये देख सकते हैं आप लोग। क्या आउट होगा तो जीत जाएंगे, अगर आउट दिया तो यहाँ पर ढाका विनर होगा, इस मैच का विनर हो सकता है ढाका, मुझे लग रहा है आउट है। और कीपर की चालाकियां काम कर गई है, ढाका यहाँ पे जीता है 13 रनों के साथ। मेलबर्न के खिलाड़ी शॉक में इस वक्त, ऐसे परफॉर्मेंसेस ही आपको जिता सकते हैं जब आप एक भी एक विकेट का मैच खेलते हो। भाई एक गेंद चाहिए, मैं पहले ही कहा सिर्फ एक गेंद चाहिए आपको जीतने के लिए, सामने वाले को तो तीन गेंदें पड़ी चाहिए तब जाके जीतेगी। और ये हौसला जो ये मैंने मेरी माइंड सेट का वो मेरे साथ रहा और आज हमने जीता है। मेलबर्न को हराया जो कि टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में से एक है, नंबर 4 पे थी, अब नुकसान झेलेगी है। सुनील नारायण मैन ऑफ द मैच बने यहाँ पर। परसों के दिन इंडिया हारी थी, आज मेलबर्न हारी है, बड़ी बड़ी टीमें हार रही हैं। ट्राइडेंट्स अमेजन वॉरियर्स बनी हुई है टॉप 4 में, इंग्लैंड नंबर 3, मेलबर्न 4, नुकसान नहीं हुआ है कोई। ढाका देखो नंबर 6 पे आ गई है, मैंने पहले ही कहा था कि एक मैच आपको जिताएगा टॉप पे ले जाएगा, रैंक 14 से डायरेक्ट रैंक 6 पे एंट्री। और अब शुरुआत होगी राउंड 8 की, रैंक 15 और रैंक 16 की टीमें भिड़ेंगी। अब हालात देखिए कितने खराब है, ये दोनों टीमें लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब पहुंच रही हैं। अब अगर अब जीत की लय नहीं पकड़ी तो सिक्सर्स और सनराइजर्स के लिए टूर्नामेंट का सफर जल्दी पूरा हो जाएगा, जो भी है वो पता लगेगा कल के दिन। अभी के लिए लेना होगा विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।